हेलो माय डियर सब्सक्राइबर, कैसे हो आप लोग। सीरीज में स्टार्ट किया हूँ तो उसका फर्स्ट वीडियो में परसों के वीडियो में डाल दिया हूँ, तो आज उसका नेक्स्ट वीडियो है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं आप लोग ने देखा करता हूँ कौन सा थर्मोकोल कटर का यूज करता हूँ, जब उसके बारे में पूरा जानकारी मैंने आपको दे दी है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में थर्मोकोल को कैसे काटते हैं, उसका जो बेसिक कटआउट है, जो बेसिक कट है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज सेम वही वीडियो मैं आप लोग के लिए लाया हूँ। तो इसमें देखिए आप लोग पूरा जो बेसिक शेप है वो कैसे काटते हैं। तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं, तो देखिए आप लोग। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो ये एक लाइन मैंने लगाया, ये मैं ट्रायंगल शेप बना रहा हूँ, तो एक लाइन मैंने लगाया, फिर ये सेकेंड लाइन है और ये थर्ड लाइन है। तीनों लाइन को मैंने क्रॉस कर दिया, ट्रायंगल रेक्टेंगल बना रहा हूँ। और एक सर्कल बना रहा हूँ। तो चलिए ये तीनों शेप जो है उसको हम लोग थर्माकोल पे काटते हैं। तो ये मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया, दो रेक्टेंगल बना लिया और एक रेक्टेंगल को मैंने चारों कॉर्नर पे क्रॉस कर दिया हूँ। तो इसका फ़ायदा क्या होगा आप लोग देखिएगा। जैसे फर्स्ट रेक्टेंगल को मैं काट रहा हूँ, अब इसको काट के अगर निकालते हैं तो इसको देखिए कैसा निकलता है। ये हम लोग को ज़्यादा दबाव डालना पड़ता है और जो कॉर्नर पे जो एज दिख रहा है ये ठीक से कटा नहीं और थर्माकोल को जो दाना हुआ बाहर आ गया। तो अगर हम लोग क्रॉस नहीं लगाते हैं तो इस तरह से कटता है, जो परफेक्ट नहीं लगता है। तो इस क्रॉस वाले को काटते हैं तो हम लोग थर्माकोल का जो कटर है वो बाहर से अंदर लेके आएंगे, क्रॉस जहाँ जहाँ पे क्रॉस डाला हुआ है वहाँ से। तो देखिए कि ये कितना परफेक्ट कटता है और निकलता है, ये देख सकते हैं दोनों में अंतर आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरह से कट के ये बाहर आता है। अब नेक्स्ट मैं ट्रायंगल को काट रहा हूँ, एक ट्रायंगल बिना लाइन क्रॉस किए हुए है और एक ट्रायंगल है जो तीनों लाइन को कॉर्नर पे क्रॉस कर रहा है। अब दोनों को काट के आप लोग को दिखाता हूँ। ये मैंने काट दिया, को देखिए ये निकलने में ये थोड़ा सा दबाव डालना पड़ रहा है और आपको ध्यान से देखने से पता चलेगा कि ये जो एज है जो कॉर्नर पे वो ढंग से नहीं कटा, वो स्मूथ भी नहीं कटा। तो आप देखिए, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, और जिस पे मैं क्रॉस लगाया हूँ साइड साइड में कॉर्नर पे, उसको देखिएगा, चाकू हम लोग बाहर तक ले जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि ये किस तरह से परफेक्ट कटेगा, निकलेगा, देखिए कितना स्मूथ और परफेक्ट ट्रायंगल कटा है। रेक्टेंगल वाले को देखिए साइड से किस तरह से नज़र आ रहा है कॉर्नर पे, और जो जो परफेक्ट कटा है उसको देखिए, और ट्रायंगल में भी सेम वही चीज़ है। तो ये सब जो छोटी छोटी बेसिक बातें हैं जो आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेंगी। और जैसे मैं सर्कल काट रहा हूँ तो ये सर्कल का साइड में देखिएगा कि जहाँ से हम लोग शुरू करते हैं वहीं पे हम लोग को स्टार्ट करना पड़ता है। अगर वहाँ से बाहर चला जाता है तो वो सर्कल ढंग से कट के नहीं निकलता है। आप देख सकते हैं। अब दूसरी बात कि मैं ये जो सीरीज स्टार्ट किया हूँ
तो इस सीरीज में मैं छोटी छोटी और बेसिक बातें आप लोग को बता रहा हूँ थर्माकोल के कटिंग के बारे में। तो मेरा पूरा सीरीज देखिए, मैं प्लेलिस्ट में डाल दूँगा जो आपको शायद कहीं देखने के लिए मिलेगी। तो आप देखिए सर्कल को, दोनों सर्कल को देखिए कि किस तरह से कटा हुआ है, ये कितना परफेक्ट काट के इसको निकाला गया है। तो आप लोग भी इसको ट्राई करें घर में और बनाने की कोशिश कीजिए आप लोग, और प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए, जिससे आप लोग परफेक्ट कटआउट काट के निकाल सकते हैं। ये एक सिंपल सा कटआउट है कि इसके लिए आपका जो चाकू है या थर्माकोल कटर है पूरा तेज होना चाहिए, शार्प होना चाहिए। इस तरह का कटिंग में आप बीच बीच में कोई क्राफ्ट बनाते हैं तो ये जो कटआउट है ये आप वहाँ डाल सकते हैं सर्कल, हाफ सर्कल करके। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग को आज भी कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। तो आज तो जो सिंपल सा बेसिक कटआउट था उसको मैं आप लोग को दिखा दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा उसको थोड़ा सा 3D कटिंग, जो 3D काट के निकालते हैं, और थोड़ा सा ये तो बेसिक कटआउट था जो आप देखें। तो इसके बाद जो कटआउट आप लोग को दिखाऊंगा वो थोड़ा इससे एडवांस होगा और आप उसको हर जगह यूज कर सकते हैं कहीं भी। तो चलिए आज के लिए आज का वीडियो इतना ही, और मेरा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और प्लेलिस्ट पे जाके ये सारा वीडियो आप देख सकते हैं जो आपको छोटी से छोटी आप बेसिक जानकारी मिलेंगी। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।